दोस्तों नमस्कार, एक बार सभी साथ जुड़ जाए, जुड़ने के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। बाड़मेर के बाड़मेर और सिंदरी रोड के पास जो कुर्ला गांव है उसके पास में जो एक हादसा हुआ है, ट्रक बस और स्कॉर्पियो के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद में भीषण हादसा हुआ है, जिसके बाद में यहां पर जो है भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता और खुद रमेश कुमार शर्मा डिप्टी जो है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से कुछ देख पा रहे हैं जो हादसा हुआ है वो ये रोडवेज बस और स्कॉर्पियो के बीच में हुआ है, और जो बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो के जो अलग जो अंदर थे दो जने थे उसके अंदर, उसमें से एक जो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उपचार के दौरान एक व्यक्ति की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई, ये बताया जा रहा है। इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि घटना की जानकारी मिलने पर जो है बाड़मेर डिप्टी रमेश कुमार शर्मा और भारी मात्रा में जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची है, और स्थानीय लोगों को कहना है कि जो बैरिकेड है उसकी वजह से जो है वो हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर जो डिप्टी हैं रमेश कुमार शर्मा वो भी मौके पर पहुंचे हैं, सदर थाना सीआई सत्यप्रकाश वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और जो है आरएसी तमाम प्रकार की जो पुलिस है पुलिस भी मौके पर पहुंची है, तैनात की गई है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये जो हादसा हुआ है वो पुलिस की जो बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस नाकाबंदी करती है उसके दौरान जो बैरिकेड लगाती हैं उस वजह से ये जो है हादसा हुआ है। बाड़मेर और सिंदरी हाईवे के बीच कुर्ला गांव के पास में जो ये हादसा हुआ है, रोडवेज बस और स्कॉर्पियो के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, जिसमें से दो लोग जो थे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और बताया जा रहा है कि जिसमें से एक की उपचार के दौरान जो है वो मौत हो गई। इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि ये खबर निकल के सामने आ रही है कि जिसके एक की है जो मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बाड़मेर के डिप्टी जो हैं रमेश कुमार शर्मा वो भी मौके पर पहुंचे हैं, सदर थाना सीआई सत्यप्रकाश वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और पुलिस जो है और पुलिस के साथ साथ आरएसी भी जो है वो भी मौके पर पहुंची है। से जो है वो भीड़ है, जो घटना हुआ था उसके बाद से
जो है वो भीड़ की है, लोगों की भीड़ है जो वो काफ़ी मात्रा में जमा हो गई थी, जिसको लिए RSC बुलाई गई है कि एक बार हमारे तमाम दफ्तर RSC जो है वो जिस तरीके से आप तो गाड़ी की जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं, जिस अमित जी उसको देख कर समझ ही चुके होंगे कितना भीषण जो है वो हादसा हुआ है, क्योंकि गाड़ी जो है आगे से स्कॉर्पियो जो है वो पूरी तरीके से जो है वो पिचक गई हैं और गाड़ी के जो एयरबैग है वो भी खुल गए हैं, और बताया जा रहा है कि वो जो चालक हैं एयरबैग खुलने की वजह से जो चालक हैं वो बच गए। पुलिस ने क्रेन को बुलाया है और क्रेन को जो गाड़ी है उसको क्षतिग्रस्त गाड़ी है उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। गाड़ी के नंबर नहीं है, गुड मॉर्निंग, जब जाके बताया जा रहा है लगो में नॉर्मल जो जानकारी मिली जानकारी हुई
अरे अरे गनमैन कौन है? गनमैन सर का डिप्टी साहब, गनमैन कौन है? कैप मंगा लेंगे, कैप लेके आओ। हाँ मैं जी कुछ सर, एक हादसा हुआ है बस और स्कॉर्पियो के बीच। क्या हादसा हुआ और क्या जानकारी मिली? रोडवेज और स्कॉर्पियो के बीच में दुर्घटना हुई जिसमें स्कॉर्पियो के दो सवार थे जिनको इलाज हेतु बाड़ में चिकित्सालय भिजवाए गए हैं और मौके से दोनों ही वाहनों को हटाया गया है। मौके पर शामिल स्कॉर्पियो में सवार जो व्यक्ति थे कौन थे, क्या नाम वगैरह? भिजवाए हैं जिसमें शीघ्र ही इनका उपचार करवा कर अनुसंधान करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर बस में सवार किसी व्यक्ति को कोई चोटें वगैरह क्या? सर यहाँ पे जो प्रदर्शी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जो पुलिस नाकाबंदी करती है, बैरिकेड लगाती है, बैरिकेड की वजह से जो है हादसा हुआ है। नहीं बैरिकेड नहीं, स्पीड तेज गति से आई हुई जिसके टायर पार्क्स भी है तेज गति में होने के कारण है। अभी दिन का समय है, बैरिकेड से चल जाता है दिन की वजह से। स्कॉर्पियो सवार कहाँ से कहाँ जा रहे थे क्या कुछ? स्कॉर्पियो सवार है जो इधर सिंदरी से बाड़मेर की तरफ जा रहे थे और ये रोडवेज है जो बाड़मेर से सिंदरी की तरफ जा रहे थे। दोनों के आमने सामने की टक्कर हुई। दोनों वाहनों को डिस्टर्ब कर ले गया या? जी हाँ, दोनों वाहन मौके पर ही है जिसमें से स्कॉर्पियो को हटा के थाने भिजवा दिया है, अभी रोडवेज को भी भिजवाया है। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जिस तरीके से आपने देखा बाड़मेर डिप्टी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जो है तेज गति से जो गाड़ी आ रही थी उसकी वजह से जो है वो अनबैलेंस हो गई और हादसा हो गया। जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा और तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो गाड़ी है वो पूर्ण रूप तरीके से स्कॉर्पियो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके बाद में जो है पुलिस ने क्रेन को बुलाकर यहाँ पर जो है यहाँ से वो गाड़ी है वो हटवाई गई है। और जो है बाड़मेर डिप्टी ने बताया कि जिस तरीके से तो गाड़ी जो है उसके टायर के मार्क्स भी हैं जो सिंदरी की तरफ से बाड़मेर की तरफ जा रही थी और जो तेज़ गति से रफ्तार से होने के कारण जो है वो बस में जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद में जो है बाड़मेर डिप्टी सदर थाना सीआई जो है वो भी मौके पर पहुंचे और जो इसमें भीड़ इकट्ठा हो गई थी उसको हटाने के लिए जो है आरएसी भी यहाँ पर तैनात की गई है। जिस तरीके से देख पा रहे हैं तस्वीरों में आरएसी को भी यहाँ पर बुलाया गया है।